अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है Vivo V29, Vivo का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट V सीरीज का हैंडसेट। मुझे अब भी याद है वो पहला Vivo फोन जो मैंने इस चैनल पे कवर किया था, Vivo V15 Pro, और उसकी टैगलाइन मैंने रखी थी नॉट कमिंग स्लो। खैर उस वक्त से लेकर अब तक अलॉट हैज चेंज्ड, डॉलर बहुत बढ़ चुका है और Vivo ने अपने आप को एक मेजर पाकिस्तानी ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश कर लिया है। लेकिन अब फैसला तो आप लोगों ने करना है कि क्या ये Vivo V29 भी नॉट कमिंग स्लो की कैटेगरी में आता है या नहीं। प्राइस में तो इट्स डेफिनेटली नॉट कमिंग स्लो। Vivo V29 की पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 1,60,000 रुपए है, लेकिन मार्केट में ये आपको 1,50,000 से नीचे आराम से मिल जाएगा। एक ही वेरियंट है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ। तो फोन इस सिल्वर कलर के बॉक्स में आता है जिसके ऊपर Vivo V29 एम्बॉस किया गया है एक रिंग के अंदर। लेकिन जाहिर है आप लोग बॉक्स देखने नहीं आए हैं, तो जल्दी से हैंडसेट चेकआउट करते हैं और जनाब इसे अनरैप कर लेते हैं एंड चेक इट आउट। Vivo अब भी मिड रेंज और मिड प्रीमियम रेंज के खूबसूरत तरीन फोन्स बना रहा है। हमारे पास आज ये नोबल ब्लैक कलर में आया है और ये फोन पीक ब्लू में भी आता है। इसकी डिजाइन पे आएंगे, पहले बॉक्स के बाकी कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस आया है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, एक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ब्रिक और केबल आया है जो कि फोन को 80 वॉट पर चार्ज करते हैं, और आखिर में यहाँ कोने में है एक सिम इजेक्टर टूल। और अब आते हैं इस डिवाइस पे। तो इस V29 को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे फौरन Vivo का X70 Pro याद आया। पहली चीज तो है इसकी बैक पे ये मैट फिनिश जो कि सैटिन जैसी सॉफ्ट टच वाली मैट फिनिश है, और इसके अंदर भी वैसा ही ग्लिटर इफेक्ट है जैसा X70 Pro में था। ये फोन भी अल्ट्रा स्लिम है एट जस्ट 7.5 mm, और इसकी भी सारी एजेस कर्व्ड हैं, यहाँ तक कि डिस्प्ले भी कर्व्ड है। फोन के आगे पीछे ग्लास है, कोई गोरिल्ला ग्लास की या प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है, और इसकी फ्रेम भी प्लास्टिक की है लेकिन इसकी क्रोम फिनिश बिल्कुल मेटल जैसी दिखती है। ये फोन डेफिनेटली एक प्रीमियम फोन जैसा महसूस होता है। फोन के ऊपर वाली तरफ ये प्रोफेशनल पोर्ट्रेट का बैज है, क्योंकि नीचे वाली तरफ है इसकी सिम ट्रे, एक USB टाइप सी पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। और बाय द वे फोन में कोई ऑडियो जैक भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ा इशू यहाँ ड्यूल स्पीकर्स का ना होना है। इस वक्त ये फोन उन बहुत ही कम फोन्स में से है जो कि 1.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे ड्यूल स्पीकर्स नहीं दे रहे। अब आ जाएं बैक पे, तो यहाँ ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, इसकी साइज जायंट है, लेकिन ये है बहुत ही स्लिम। इस पे भी वही मैट फिनिश है जो बाकी बैक पे है, और इसके अंदर है इस फोन का ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें बिलीव इट और नॉट Vivo का सबसे ज्यादा मार्केटेड फीचर है इसकी ये ऑरा लाइट। अब इस ऑरा लाइट की दो खसूसियात हैं, एक तो है कि इसका कलर टेम्परेचर चेंज होता है, आप इसे खुद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक स्मार्ट फीचर है तो आप इसे ऑटो पे रख के यूज कर सकते हैं, जिससे एम्बियंट लाइट के हिसाब से ये ऑरा लाइट खुद को एडजस्ट करेगी फोटोज में वाइट बैलेंस को ठीक करने के लिए। लेकिन मेरी नजर में ये इस कैमरा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है OIS, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यहाँ बैक पे 50 MP का ऑप्टिकली स्टेबलाइज मेन कैमरा है, और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन का हमें नॉर्मली दो चीजों में इम्पैक्ट दिखता है, क्लैरिटी और डेफिनेशन, यानी कि फोटोज ज्यादा डिटेल्ड दिखती हैं, और बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस। फिर यहाँ 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, मैं पर्सनली 12 MP प्रेफर करता, 8 MP का कम रेजोल्यूशन महसूस होता है। और फिर आता है ये 2 MP का डेप्थ सेंसर जो कि सिर्फ डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए है और एक्चुअल इमेज मेन कैमरा से ही आ रही होती है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 30 FPS रखा गया है। और आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ 50 MP का सेल्फी शूटर है, और इसकी दो चीजें नोटेबल हैं, एक है ऑटो फोकस और दूसरा है वाइड फ्रेम ऑफ व्यू, जिसकी वजह से Vivo इसे ग्रुप सेल्फी कैमरा कह रहे हैं। कैमरा को हम जल्द एक कंपैरिजन वीडियो में डीपली एनालाइज करेंगे, अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आ जाते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे, तो यहाँ भी हमें बहुत ही जबरदस्त सेटअप मिल रहा है। 6.78 inches का AMOLED डिस्प्ले है, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, 1 billion कलर्स, जी हाँ ये एक 10-bit पैनल है विद HDR10+ सपोर्ट। फिर यहाँ 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है, I really don't have any complaints with this display। डिस्प्ले की एजेस कर्व्ड होने की वजह से ये फोन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है, लेकिन इवन बियॉन्ड दैट 453 ppi की पिक्सल डेंसिटी से इस पे बहुत ही डिटेल्ड और शार्प पिक्चर आती है। अगर बेजल्स की बात करें तो यहाँ भी मेरा ख्याल है टू द एवरेज यूजर ये फोन बिल्कुल किसी फ्लैगशिप फोन जैसा दिखेगा, बेजल्स काफी पतले हैं। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इस डिस्प्ले पे गेमिंग करना और मूवीज देखना यूजर्स बहुत एंजॉय करेंगे। क्या ही बात होती अगर इस जबरदस्त डिस्प्ले के साथ Vivo इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स भी डाल देते। इस प्राइस पॉइंट पे ड्यूल स्पीकर्स बहुत ही जरूरी है। लगता है कि Vivo की कोई ड्यूल स्पीकर्स के साथ नाराजगी चल रही है,
खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं स्पेक्स पे, और यहाँ चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन काफी पावरफुल है लेकिन डेफिनेटली मिड रेंज टाइप का सेटअप है। स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट है, ये एक 5G चिपसेट है 6 नैनोमीटर का, साथ में अड्रीनो 642L GPU है, 12GB रैम है जिसे आप 8GB का एक्सटेंशन या टीका व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट लगा सकते हैं, और 256GB स्टोरेज है। लेकिन जहन में रहे कि यहाँ कोई SD एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है, और इस सब को पावर करने के लिए फोन में 4600 मिलियम पावर की बैटरी है, विच इज नॉट अ बिग बैटरी, लेकिन वीवो कुछ अरसे से बैटरी साइज को छोटा रख रहे हैं ताकि ऐसे स्लिम और लाइट वेट किस्म के फोन्स बना सकें, एंड दे ऑलवेज मेक अप फॉर इट विद द चार्जिंग स्पीड्स। तो यहाँ माइंड बॉगलिंगली फास्ट 80 वॉट की चार्जिंग है, जो कि बकौल वीवो MT से हाफ चार्ज में 17 मिनट लगाती है, जिसका मतलब है कि फुल चार्ज 40 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, जो कि ब्लेजिंग फास्ट चार्जिंग स्पीड है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ज्यादातर सिचुएशंस में आपका फोन विल बी द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन इन द रूम, बहुत ही कम फोन्स हैं जो इस वक्त 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को बीट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 778G हम पिछले कुछ अरसे से मिड रेंज फोन्स में देख रहे हैं, सच पूछे तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको इससे बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स भी मिल जाएंगे, बट फॉर मोस्ट पीपल ये प्रोसेसर ठीक चलेगा, 6 लाख के Antutu स्कोर के साथ ये कैजुअल या इवन हैवी गेमिंग हैंडल कर लेगा, बट ऑनेस्टली ये फोन सीरियस गेमिंग के लिए बना ही नहीं है। ये फोन है स्टाइल कॉन्शियस ब्यूटी लविंग यूजर्स के लिए, जिन्हें एक खूबसूरत फोन चाहिए, बहुत सारी फोटोज लेनी है, सोशल मीडिया पे लगानी है, और उन चीजों को ये प्रोसेसर आराम से हैंडल करेगा। आपकी सारी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया, वीडियोज, मूवीज इस प्रोसेसर पे बहुत स्मूथली चलेंगी, और इसका इंटरफेस भी जो कि वीवो की फ्रंट टच OS है, कहने को तो ये वीवो की अपनी स्किन है, लेकिन ओवर टाइम इसे बहुत ही मिनिमलिस्टिक कर दिया गया है और स्टॉक एंड्रॉयड जैसी फील देने की कोशिश की गई है। तो ओवरऑल मैं इस फोन के डिस्प्ले और इसके लुक से बहुत ही खुश हूँ, इट स्क्रीम्स ब्यूटी। वीवो ने अब भी अपनी खूबसूरत फोन्स बनाने की रिवायत को बरकरार रखा है, लेकिन इस वीवो V29 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हैं, जैसे कि कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन ना होना, ड्यूल स्पीकर्स ना होना, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कैमराज इस फोन में है, वीवो एक अरसे से बहुत ही सॉलिड कैमरा गेम ला रहा है। मैं डेफिनेटली प्रेफर करता अगर इसमें 8 मेगापिक्सल की जगह 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया होता, लेकिन अब देखना यह है कि आप लोगों के इस वीवो V29 के बारे में क्या ख्याल आते हैं, खासकर इसके प्राइस को देखते हुए। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अब हम टिकटॉक पर भी आ चुके हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।